हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप ये वीडियो देखने आ गए तो इसका मतलब तो यही है कि थोड़ा सा टमी तो आपका भी है, थोड़ा इश्यू तो आपको भी है अपने पेट के साथ। अगर आपका पेट थोड़ा सा बाहर है, कम से कम फ्लैट स्टमक तो चाहिए, तो आप बहुत सारी ट्रेनिंग करते होंगे, बहुत सारे ऐप्स की एक्सरसाइज लगाते होंगे, तरह तरह के वेरिएशन ट्राई करते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज से आपका स्टमक नहीं पतला होगा, क्योंकि एक्सरसाइज या किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग मसल पे लोड देना, वो आपके मसल को, कोर एरिया को स्ट्रॉन्ग जरूर बना सकता है, बट उसका साइज, उसकी जो वॉल्यूम, जो कर्व बना पड़ा है, उसको कम नहीं करेगा। वो कम करेगा आपका कैलोरी डेफिसिट प्रोग्राम, आपका शुगर इनटेक कम करना, आपका ओवरऑल डाइट स्केड्यूल को सही करना। तो अपने डाइट पे पहले फोकस करो, फिर ट्रेनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। दोनों चीज़ों को पहले ले लेके चलोगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और 10 दिन की डाइटिंग करके देख लो आप, 11वें दिन आपके पेट पे से अगर सिर्फ आपके पेट पे से एक जो आपको इन्फ्लामेशन सी फील होती है, एक जो ब्लोटिंग सी फील होती है, वो भी चली जाएगी, तो भी आपका स्टमक थोड़ा सा कम दिखना शुरू हो जाएगा और आप उस रिजल्ट्स के एडिक्टिव होके और अच्छे से ट्रेन करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो। बाय।